अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप भी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जगाधरी विधानसभा से, जहां पर आप सभी को बता दें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा था कि शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, उसको लेकर आज हरियाणा के जगाधरी विधानसभा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद ओपी धनखड़ जी आप सभी को बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ उन्होंने शिरकत की है। साथ ही साथ शिक्षा एवं वन मंत्री चौधरी कंवर पाल, साथ ही आपको बता दें यमुनानगर से एमएलए घनश्याम दास अरोड़ा और तमाम भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं शिक्षा एवं वन मंत्री चौधरी कंवर पाल ने राजेश सप्रा का भी धन्यवाद किया और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का भी धन्यवाद किया और लोगों का धन्यवाद किया। इतने पारे में भी वो लोग तिरंगा यात्रा में सम्मान के लिए सामने आए हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जगाधरी विधानसभा से, जहाँ पर आप मंच पर सुन रहे हैं चौधरी कंवर पाल को, साथ ही साथ ओपी धनखड़ को, और मैं बता दूं साथ ही साथ आप सुन रहे हैं राजेश सप्रा को मत से एमएलए घनश्याम दास अरोड़ा को। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं IB24 के माध्यम से। तो उसके बावजूद भी कोई भी कार्यकर्ता इधर उधर नहीं आया और जो एक मैसेज देना चाहिए था वो मैसेज देने में पूरी तरीके से सफल रहे। माननीय अध्यक्ष जी बहुत खुश हैं कि भाई ठीक है यात्रा, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और आप सबसे निवेदन एक कर रहा भाई, अब आपने इधर से यहां से खदरी और खदरी से देव दरवाड़े रोड पर है जड़ा, इस साइड से जितने लोग प्रताप नगर वाले हैं छतरौली वाले हैं तो वो सारे के सारे इसी रूट में जाएंगे। अर्धगा वाले थोड़े से चले तो भी थोड़ी दूर तक तो चले चलो रखा हैदराबाद वाले तो बहुत दूर जाएंगे तो थोड़ा सा इस रूट पर चलेंगे। तो मेरा आपसे सबसे प्रार्थना है, माननीय अध्यक्ष जी भी कुछ कहनाते रहे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी दो शब्द कहें। बहुत अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने हमारा किया और जो शामिल रहे उनका मैं अपनी ओर से भी और आप सब की ओर से भी उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पत्रकार कंवर पाल जी से पूछ रहे थे यात्रा कहां से शुरू हुई और कहां पहुंचेगी, ये तो यहाँ का जवाब दे रहे थे, लेकिन मैं मन मन में कह रहा था यात्रा लोहारों से शुरू हुई जगाधरी आगी डबवाड़े भी जाएगी होटल भी जाएगी। जहाँ तो नजर घुमाएगा वही तुझे यात्रा नजर आएगी, बलिदानों के शहीदों के सम्मान में बीजेपी खड़ी नजर आएगी। ये जो 2022 से 15 अगस्त होगा तो 75 साल पूरे हो जाएंगे, इसका मतलब 21 के 15 अगस्त से 75 साल शुरू होगा। मानसून से पहले प्री मानसून आ जाया करता है, आज जगाधरी में ऐसे ही 75 साल की शुरुआत कर दी है। आपके इस सफल कार्यक्रम ने क्या लोहारू वालों ने मुझे मोटिवेट किया था, आज उसी तरह से मुझे भी आपने ऊर्जा से भर दिया है, मोटिवेट कर दिया। पूरे हरियाणा में पहुंचे, हर कार्यकर्ता तक पहुंचे और जिनको भी देख रहा है देख लो, मैंने पत्रकारों से कहा ये शर्प है, जिनके पगड़ी है वो किसान है और जिनके बाल काले हैं वो जवान है, दोनों के यहाँ जवान भी है और किसान भी है और उसके हाथ में तिरंगा भी है, इसलिए मैंने शुरू में कहा था तिरंगा बरटी। मैं अभी कह रहा था पत्रकारों से, अरे युद्ध तो भाई 62 का भी हुआ था, युद्ध तो 65 का भी हुआ था, युद्ध तो 71 का भी हुआ था, लेकिन कारगिल के युद्ध में जो अटल जी ने शहीदों का सम्मान दिया किसी कांग्रेस पर, हमारे संस्कार में है, हमारे रक्त में है, वीर शहीदों का रक्त, वीर बलिदानियों का रक्त जब इन सराओं में बहता है हम उनका आदर करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, हमारे संस्कार में। मुझे कई कांग्रेसी साथी जो बीजेपी, आप सभी से अनुरोध है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा और आप ये देख रहे हैं IB24 में हम से लाइव और मंच पर है ओपी धनखड़।
नमस्कार, आप भी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जगाधरी विधानसभा से, जहां पर आप सभी को बता दें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा था कि शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, उसको लेकर आज हरियाणा के जगाधरी विधानसभा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें खुद ओपी धनखड़ जी आप सभी को बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ उन्होंने शिरकत की है। साथ ही साथ शिक्षा एवं वन मंत्री चौधरी कंवर पाल, साथ ही आपको बता दें यमुनानगर से एमएलए घनश्याम दास अरोड़ा और तमाम भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं शिक्षा एवं वन मंत्री चौधरी कंवर पाल ने राजेश सप्रा का भी धन्यवाद किया और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का भी धन्यवाद किया और लोगों का धन्यवाद किया। इतने बारे में भी वो लोग तिरंगा यात्रा में सम्मान के लिए सामने आए हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जगाधरी विधानसभा से, जहाँ पर आप मंच पर सुन रहे हैं चौधरी कंवर पाल को, साथ ही साथ ओपी धनखड़ को, और मैं बता दूं साथ ही साथ आप सुन रहे हैं राजेश सप्रा को मंच से, एमएलए घनश्याम दास अरोड़ा को। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं IBN24 के माध्यम से। तो उसके बावजूद भी कोई भी कार्यकर्ता इधर उधर नहीं आया, और जो एक मैसेज देना चाहिए था वो मैसेज देने में पूरी तरीके से सफल रहे। माननीय अध्यक्ष जी बहुत खुश हैं कि भाई ठीक है यात्रा, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और आप सबसे निवेदन एक कर रहा भाई, अब आपने इधर से यहां से खदरी और खदरी से देव दरवाड़े रोड बने जाना, इस साइड से जितने लोग प्रताप नगर वाले हैं, छतरौली वाले हैं, तो वो सारे के सारे इसी रूट में जाएंगे। अर्धगाधरी वाले थोड़े से चले, तुम भी थोड़ी दूर तो चले चलो, हो रखा हैदराबाद वाले तो बहुत दूर जाएंगे, तो थोड़ा सा इस रूट पर चलेंगे। तो मेरा आपसे सबसे प्रार्थना है, माननीय अध्यक्ष जी भी कुछ कहना चाह रहे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी दो शब्द कहें। बहुत अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने हमारा किया, और जो शामिल रहे उनका मैं अपनी ओर से भी और आप सब की ओर से भी उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पत्रकार कंवर पाल जी से पूछ रहे थे यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंचेगी, ये तो यहाँ का जवाब दे रहे थे, लेकिन मैं मन मन में कह रहा था यात्रा लोहारों से शुरू हुई, जगाधरी आ गई, डबवाड़े भी जाएगी, होटल भी जाएगी। जहाँ तो नजर घुमाएगा वही तुझे यात्रा नजर आएगी, बलिदानों के शहीदों के सम्मान में बीजेपी खड़ी नजर आएगी। ये जो 2022 से 15 अगस्त होगा तो 75 साल पूरे हो जाएंगे, इसका मतलब 21 के 15 अगस्त से 75 साल शुरू होगा। मानसून से पहले प्री मानसून आ जाया करता है, आज जगाधरी में ऐसे ही 75 साल की शुरुआत कर दी है। आपके इस सफल कार्यक्रम ने, यहाँ लोहारों वालों ने मुझे मोटिवेट किया था, आज उसी तरह से मुझे भी आपने ऊर्जा से भर दिया है, मोटिवेट कर दिया। पूरे हरियाणा में पहुंचे, हर कार्यकर्ता तक पहुंचे, और जिनको भी देखना है देख लो। मैंने पत्रकारों से कहा ये शर्प है, जिनके पगड़ी है वो किसान है, और जिनके बाल काले हैं वो जवान है, दोनों। यहाँ जवान भी है और किसान भी है, और उसके हाथ में तिरंगा भी है, इसलिए मैंने शुरू में कहा था तिरंगा बरटी। मैं अभी कह रहा था पत्रकारों से, अरे जो तो भाई 62 का भी हुआ था, ये तो 65 का भी हुआ था, ये तो 71 का भी हुआ था, लेकिन कारगिल के युद्ध में जो अटल जी ने शहीदों का सम्मान दिया, किसी कांग्रेस पार्टी हमारे संस्कार में है, हमारे रक्त में है, वीर शहीदों का रक्त, वीर बलिदानियों का रक्त जब इन सराओं में बहता है, हम उनका आदर करना जानते, सम्मान करना जानते, हमारे संस्कार में। मुझे कई कांग्रेसी साथी जो बीजेपी, आप सभी से अनुरोध है वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, और आप ये देख रहे हैं IBN24 मैं हूं सगन नामनगर से लाइव, और मंच पर है ओपी धनखड़ जी।